से और आपने अभी और वरिष्ठ नेताओं को भी सुनना है, इसलिए मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आज सबसे पहले तो ये हमारे लिए और हर देशवासी के लिए, प्रदेशवासी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने अपने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और 76 ईयर में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। इस लंबे गौरवशाली इतिहास में बहुत सी कुर्बानियां हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी हमारे जो नेता पूर्व में रहे उन्होंने खून पसीने से हिमाचल प्रदेश को आज जिस कागार पे हम खड़े हुए हैं वहां पर हमको खड़ा किया है। और हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि अगर हमारी बुनियाद मजबूत हो, अगर हमारा फाउंडेशन मजबूत हो, तभी उस पर एक मजबूत इमारत बन सकती है। वी मस्ट नेवर फॉरगेट व्हाट आवर फोर फादर्स और एंसेस्टर्स हैव डन फॉर द ग्रेट कंट्री एंड द स्टेट। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, वो हमको सदैव याद रखने हैं और यही हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश की सभ्यता है। आज दुख होता है ये देखते हुए कि कई मंचों के ऊपर हमारी संस्कृति, देव समाज जो हमारा धरोहर है, उसके साथ जिस तरीके से खिलवाड़ आज की सरकारें कर रही है, ये देखते हुए एक नेता के रूप में नहीं मगर एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में, एक युवा नागरिक के रूप में हमको दुख होता है ये देखते हुए कि आज की सरकारें किस तरीके से हमको क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। पहली बार इतिहास में हिमाचल प्रदेश में ये हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने ये नारा किसी मंच से दिया कि मैं मंडी का मुख्यमंत्री हूं और मंडी के लोगों को जिताना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस दिन गोपनीयता की शपथ ली, जिस दिन आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन आप मंडी के मुख्यमंत्री नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। मगर आपने जो क्षेत्रवाद का नारा हिमाचल प्रदेश में दिया, संसदीय मंडी चुनाव के उपचुनावों में दिया, मैं नमन करना चाहता हूं कुल्लू की जनता को कि आपने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर ये दिखा दिया कि हिमाचल और मंडी केवल मंडी के लोगों की है, किसी व्यक्ति विशेष की मंडी नहीं है। ये आप लोगों को इस चीज का श्रेय जाता है। आज जब कोई मुद्दा नहीं मिलता, महंगाई आज जब चरम सीमा पे पहुंची हुई है, आज जब बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची हुई है, तो ये सरकार आज केवल लाभार्थियों की सरकार बनकर रह गई है। ये सोचते हैं कि हमने जो 2000 किसी खाते में किसी को डाल दिए तो ये हमारे बंधे हुए मजदूर हो गए हैं। ये सोचते हैं कि सरकारी रैलियों में हम लाभार्थियों को बुलाकर अपनी सरकार बनवा लेंगे। तो जयराम जी, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लगेगा, उस दिन आपको और आपकी सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता पूरा आईना दिखाएगी कि आप किसके साथ हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। हमें दुख होता है ये देखते हुए कि धर्म के नाम पे जो ये राजनीति करते हैं, आज जिस पावन स्थल पे हम बैठे हुए हैं, ये साथ में जो यहाँ पे देव समाज का भवन बना हुआ है, मुझे याद है वो दिन जब आया वीरभद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन करना था, शिमला से हेलीकॉप्टर में उन्होंने उड़ान भरी, मगर मौसम खराब होने की वजह से कभी कुल्लू यहाँ से आने का प्रयास किया, कभी छोटा बंगाल से आने का कोशिश करी, मगर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया। वो हेलीकॉप्टर जाकर जो है वो सुंदरनगर में लैंड हुआ, भारी बरसात के कारण भारी बिलासपुर में जाकर लैंड हुआ और वहां से भारी बरसात में वो यहां पर आए
और उन्होंने ये देव सदन का यहाँ पे जो है उद्घाटन हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। देव नजराने का प्रथा जो कुल्लू दशहरे के ऐतिहासिक हमारे देवी देवताओं के लिए देव नजराने का प्रथा जो शुरू करी राजा वीरभद्र सिंह जी के सरकारों ने करी। इसलिए हमको कोई सर्टिफिकेट, जैसा यहाँ पे वक्ताओं ने कहा कि हिंदू हितेशी होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हिंदुत्व हमारे देव समाज से चलता है, नागपुर से नहीं चलता है। और हम हमारा देव समाज को आगे ले जाना ये हम सब का प्रथम दायित्व है। इसको हम राजनीति की दृष्टि से नहीं देखते हैं, हमने मिलकर आगे चलना है। अभी चुनाव आएंगे, बहुत सी बातें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होगी। कोई कहेगा पंजाब का मॉडल लेकर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे दिल्ली वाले आए, कहा कि हम दिल्ली का मॉडल लेकर आएंगे, मगर 3 महीने में वो दिल्ली मॉडल पहाड़ चढ़ते चढ़ते उनको अस्थमा का अटैक हो गया, हाँफने लग गए, पहाड़ से नीचे गिरने लग गए। और अब हिमाचल प्रदेश को ये पता लग चुका है, हिमाचल प्रदेश में एक ही मॉडल सक्सेसफुल हुआ है, एक ही मॉडल चलेगा। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हम वापस वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे। और कोने कोने में जो स्कूल की प्रथा, जो संस्थानों की प्रथा वीरभद्र सिंह जी ने अपनी सरकारों में हिमाचल प्रदेश को दी है, उस चीज को हम वापस हिमाचल प्रदेश के अंदर वापस लेकर आएंगे। ये बात आज हम इस मंच से कह देना चाहते हैं। सभी शीर्ष नेता यहाँ पे आप सबको संबोधित करेंगे, चाहे हमारे महिलाओं के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं, युवाओं के लिए खास करके सबसे बड़ी उपलब्धि जयराम सरकार की कि आज 15 लाख बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमने अभी कांग्रेस पार्टी ने एक युवा संघर्ष यात्रा, रोजगार यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर शुरू करी है, जिसको अभी हमने हाल ही में जिला सिरमौर से और जिला सोलन से शुरू किया है। बहुत जल्द वो यात्रा आपके कुल्लू जिला के अंदर आएगी। और खास रूप से जो हम युवाओं के लिए उसमें बात कर रहे हैं कि हमने 680 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड युवाओं के लिए रखा है, ताकि उसमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे, और जिसमें आपको इंटरेस्ट फ्री लोन युवाओं को जो है वो अपने छोटे छोटे कारखाने बनाने के लिए, अपने छोटे छोटे काम करने के लिए, स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे। मगर मेरा एक निवेदन है सबसे और युवाओं से खास करके कि जब आपको ये लोन मिलेगा, ये ऋण मिलेगा, तो कृपया करके पकौड़े तलने का काम मत करना। ये पकौड़े तलने का काम जो है सिर्फ मोदी शाह की सरकार में होता है। हिमाचल प्रदेश में जब रोजगार मिलेगा, बागवानों को मदद की जाएगी, किसानों की मदद की जाएगी, होटेलियर्स की मदद की जाएगी। जिस तरीके से हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, पीछे मुझे याद है जब उपचुनाव चले हुए थे, बहुत से हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स मिले, बस निजी चालक मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने समय दिया हुआ है ट्रक ऑपरेटर को कि 10 दिसंबर को हम आपकी निर्णय लेंगे। जब मैंने ये बात उनसे सुनी, ट्रक ऑपरेटर वालों से, कि हमको 10 दिसंबर का टाइम दिया हुआ है, मैंने कहा कि ये कहां का मुख्यमंत्री है, उस समय तो ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे जब का इन्होंने समय दिया हुआ है आपकी मांग को सुनने के लिए। ये इनकी जो है आज जो हताश ये सरकार हुई हुई है, उस चीज को ये दर्शाता है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि ये बात साफ है, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। कोई माइका लाल कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में बनने से नहीं रोक सकता। ये चाहे नड्डा को ले आए, ये चाहे अमित शाह को ले आए, ये चाहे 50-50 करोड़ रुपए भी एक विधानसभा क्षेत्र में खर्च ले, हमारे पास जनता है, हमारे पास जो है लोगों का साथ है, और इसके आगे कोई धन बल जो है वो टिक नहीं सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, और भी जो मसले हैं जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमारे बीच में रखे हैं, उनको भी हम आने वाले समय में पूरा करेंगे।
आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। महिलाओं के लिए तो दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, देव समाज जिंदाबाद, देव समाज जिंदाबाद। जय हिंद, जय माता दी।